जहां भारत का दिल धड़कता है, यहां की हर चीज में गतकाल की परछाई और भविष्य की आशा नजर आती है। एक तरफ यहां पुरातन संस्कार तो दूसरी तरफ आधुनिक सुविधा। एक ओर रास्ते की चाट तो दूसरी ओर पंचतारा की ठाट। यहां फटपटी तो वहां मोटर कार। कोई समय के साथ यहां दौड़ रहा है तो कोई वक्त को मुट्ठी में बांधे हंस रहा है। कहीं परेड तो कहीं खेलकूद। यहां से अनेक रेलगाड़ियां भारत के हर कोने तक पहुंचती हैं और दुनिया का हर विमान यहां आ उतरता है। छोटे छोटे मेले, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कुतूहल भरी जंतर मंतर जो काल मापक है, अद्भुत कुतुब मीनार जो गतकाल का है, सुंदर लोधी गार्डन, प्रथम जागृतिक युद्ध के शहीद जवानों की यादगार इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस जो भारत का शासन केंद्र है, दिल्ली शासन, विद्यार्जन और कला, मनोरंजन और विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र है। केवल दिल्ली ही नहीं, भारत में कई छोटे छोटे शहरों में इस तरह के अनेक वैविध्य प्राप्त हैं। कलकत्ता की पारंपरिक जीवन शैली, आचार विचार, रविंद्र साहित्य, चेन्नई की धार्मिक श्रद्धा, इडली डोसा और भरतनाट्यम, मुंबई की जिंदा दिली और फिल्मी दुनिया, बेंगलुरु का कंप्यूटर उद्यम और फैशन शो, भुवनेश्वर की कर कुशलता, हैदराबाद की चूड़ियां और मोतियां, लखनऊ की नवाबी शान शौकत और मेहमान नवाजी, श्रीनगर के शिकारे और मासूम चेहरे। भारत आज 5000 वर्षों की अनुभूति और 50 साल की प्रगति के साथ दुनिया का आकर्षण बन गया है। यहां उपलब्ध हर तरह की सुविधाओं के कारण हर कोई यहां आना चाहता है। भारत में सुविधाओं की होड़ लगी है। यहां हर मुख्य शहर को हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया विमानयान के बृहत संस्थाएं, अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभागों को उड़ाते हैं। दुनिया का हर विमान यहां उतरता है। इनके अलावा अनेक प्राइवेट और चार्टर्ड हवाई जहाजों की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। रेलगाड़ी की सुविधा का कोई जवाब नहीं। पैलेस ऑन व्हील्स जो एक शाही यात्रा का अनुभव दिलाती है। यहां के कर्मचारी स्वरूप और संस्कार से पारंपरिक होते हुए भी आधुनिक अतिथि सत्कार के विधानों में सबसे आगे हैं। ये चलता फिरता राजमहल हमें सीधे राजपूतों के दरबार में ले जाता है। Thank you.
गुजरात की रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, इसका सफर भी ऐतिहासिक वैभव का साक्षात्कार है। पहाड़ी क्षेत्र में धीरे धीरे चलने वाली इन रेलगाड़ियों में अगर प्रयाण ना करें और खूबसूरत नजारों को ना सराहें तो भारत का सफर अधूरा रह जाता है। इनके अलावा शताब्दी, कोंकण, राजधानी जैसी रेलगाड़ियां शहर से शहर को, गांव से गांव को और दिल से दिल को जोड़ती हैं। भारत के मेहमान चाहे व्यापारी हो, सैलानी हो या चाहे राजदूत, अपने घर से दूर यहां अपने ही घर का वातावरण पाते हैं। भारत आए विदेशियों को बड़े प्यार और आदर से स्वीकार करने यहां के अशोक होटल। आईटीडीसी होटलों की सरणी अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। अतिथियों के सत्कार और सुविधा के लिए यहां कर्मचारी दिन रात अविरत सेवा करते हैं। भारत के हर प्रमुख शहरों में स्थित इन होटलों में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। निर्भर है कि समय खाने में और वजन घटाने में बिताएं या भारत की सैर में। भारत की सैर के लिए मार्गदर्शन यहां इस ट्रैवल आउटलेट में मिल जाता है। अगर आपके हाथ ये कैटलॉग लग गए तो समझिए पर्यटन बिना किसी सहाय के ही प्रारंभ हो गया। जो विदेशी कॉन्फ्रेंस के लिए भले ही आते हों, लेकिन भारत की संस्कृति की अनुभूति किए बिना यहां से अगर लौटें, तो उनकी भारत यात्रा पूरी नहीं होगी। हमारे देशवासियों को इस तरह की छुट्टियों में पर्यटन करने अनेक सौलभ्यों को लभ्य करवाया है, जैसे LTC की सुविधा, हॉलिडे पैकेज, प्राण दर में रियायती इत्यादि। गर्मियों की छुट्टियां, टाइम शेयर हॉलिडे, ट्रांसफर, मधुचंद्र और अनेक बढ़ते हुए अवकाशों से पर्यटन जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है।
पर्यटन अभिलाषियों को हमेशा एक प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि भारत की सैर कहां से शुरू करें और कहां खत्म। हां, अगर ये तय हो जाए कि क्या देखना है, जैसे भारतीय उत्सव या भारत के जंगलों की सैर, हमें पर्यटन करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट नेशनल पार्क और धुधुआ नेशनल पार्क, जो जंगली जानवरों से समृद्ध है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और कान्हा नेशनल पार्क। राजस्थान का रणतंबोर नेशनल पार्क, कर्नाटक के बंडीपुर और नागरहोले पार्क, तमिलनाडु की मधुमलई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, गुजरात का विशेष सासनगीर जंगल, सारे भारत में केवल यहीं एशियाई शेर रहते हैं। इसी गुजरात की रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भारत में ये एक ही जगह है जहां जंगली गधे पाए जाते हैं। असम का विख्यात खाजीरंग नेशनल पार्क, इन घने जंगलों में रहने योग्य अतिथि गृहों का और कुटीरों का प्रबंध किया गया है। इस तरह के साहसमय पर्यटनों के अभिलाषियों के लिए भारत का 6000 किलोमीटर लंबा समुद्री तट अनेक रोचक विषयों को प्रदान किया है। गुजरात के समुद्री तट की सैर, मुंबई के तट पर ऊंट की सैर, गोवा जहां पश्चिम और पूरब का संगम हुआ है, कर्नाटक की ओम बीच की शांतता, उल्लाल बीच का विहार और मनोहर सूर्यास्त, केरला के तट पर विदेशियों को देशी मालिश, कन्याकुमारी, यहां तीन समुद्रों का संगम हुआ है। इसी तरह पूर्व में तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सुंदर तटों से समृद्ध है। इनके अलावा लक्षद्वीप और सेंट मेरीज आइलैंड का एक अपना रोचक अनुभव है। इन समुद्र तटों पर अनेक रोमांचित क्रीड़ाएं खेलने का अनुभव होता है। इनके अलावा भारतीय नदियों में सेलिंग से लेकर राफ्टिंग तक का अनुभव रोमांचकारी है। साहस क्रीड़ा जमीन से आसमान तक भी है। ट्रेकिंग, पर्वतारोहण की संगठन इस देश की विशेषता है। यहां व्यवस्थित रूप से पर्वतारोहण को सिखाया जाता है।
पवन हंस जो हमें हिमालय की ऊंचाई को परिचित करवाता है। ये हेली स्कीइंग की रोमांचकारी क्रीड़ा भारत का एक अद्भुत आकर्षण है। आकर्षक केवल यहां तक ही नहीं, भारत उत्सवों की भूमि है। यहां साल के 12 महीनों उत्सव चलते रहते हैं। जनवरी में केरल का द ग्रेट एलिफेंट मार्च, फरवरी में राजस्थान का ये नागौर मेला जो भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, मार्च में हमारे उमंगों में रंग भरने वाली होली, अप्रैल में पंजाब की बैसाखी, मई के महीने में बुद्ध पूर्णिमा जिसे सारे भारत में मनाया जाता है, जून में लेह और लद्दाख का ये हेमिस उत्सव, जुलाई में पुरी का ये विख्यात रथोत्सव, अगस्त में केरल का आकर्षक ओणम, सितंबर में सौराष्ट्र का तारनेतर मेला जहां अन्य ब्याहों के लिए जोड़ी ढूंढी जाती है, अक्टूबर का विश्व विख्यात दशहरा जिसे कर्नाटक में अत्यंत वैभव से मनाया जाता है, इसी दशहरे के प्रयुक्त गुजरात में नवरात्रि उत्सव, पश्चिम बंगाल में काली पूजा। नवंबर का ये मनमोहक पुष्कर मेला, दिसंबर का क्रिसमस और न्यू ईयर, पर्यटन नियम ने ये आकर्षक उत्सवों को आयोजन किया है जो विश्व विख्यात हो गए। जनवरी में केरला का कोलम का ये ग्राम मेला जो पारंपरिक और रीत रिवाजों और कलाओं का प्रदर्शन करता है। हर साल 18 फरवरी को आयोजित ये आगरा का ताज महोत्सव एक रोचक अनुभव है जहां हमारी संस्कृति हर पहलू में रंग लाती है। जिस तरह दिसंबर में उड़ीसा का कोणार्क का नृत्योत्सव, वैसे ही मार्च में मध्य प्रदेश में खजुराहो का नाट्योत्सव, केरल का ये रोमांचक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, भारत का एहसास तभी होता है जब आप इन पहाड़ों पर और रेगिस्तान में लगने वाले मेलों में शामिल हो जाएं, जहां लोग दूर दूर से आकर इकट्ठे होते हैं। इस तरह के सांप्रदायिक मेले सदियों से लगते आ रहे हैं।
यहाँ कोई अपने जानवर बेचने आते हैं तो कोई नाच गाने या फिर कोई खरीदारी। ये मेले जनपद लोगों की जीवनी को प्रतिबिंब करते हैं। यहीं पर आकर हम भारतीयता को महसूस कर सकते हैं। भारत में खरीदारी एक अनोखा अनुभव है। उत्सव और मेलों में लगने वाले इन दुकानों में तरह तरह के आभूषण, आभरण, करकुशल वस्तु, जो स्थलीय वास्तुशिल्प की कला की परछाइयां हैं, इनमें से क्या खरीदें और क्या नहीं। खरीदारी इन छोटे तात्कालिक दुकानों से लेकर शुल्क मुक्त दुकानों तक अपनी ही एक रंगीन सफर का एहसास दिलाती है। इन एहसासात के जरिए भारत हर यात्री के दिल में धड़कते आ रहा है, हमेशा धड़कते रहेगा और ये सबको साथ लेकर चलेगा एक ऐसे सफर पर जो भारत का एक सुहाना सफर है।